आप ये हैं और कितना कमा लेते हैं। हम जी आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि एक एवरेज वीए होता है ना, यू कैन से कि अगर कोई नालायक वीए भी है ना, अगर वो पूरे महीने में एक प्रोडक्ट भी हंट करके बेच देता है और उसके अलावा एक आधी अपने को सर्विसेज प्रोवाइड कर, कोई भी एक आधी सर्विस प्रोवाइड कर देता है, तो मेरा कहने बताने का मतलब ये है कि 300 से 400 डॉलर आराम से कमा लेता है। अब आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितना बनता है। ठीक है, जब आप प्रॉपर तरीके से ये सारी टेक्निकल चीजें सीख लेंगे उसके बाद आप लोग मार्केट में निकलेंगे, तो इतना एक वी आराम से कमा लेता है। और जाहिर सी बात है, हम बीए हैं तभी तो ये सारी चीजें जानते हैं ना। बीए भी हैं, ट्रेनर भी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बस। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रही हैं मलिक लारेब। देखिए, हम कैसे सेल कर सकते हैं, पहले हम चीजें सीख तो लें, और वो सेल कैसे करना है, फेसबुक है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन जो सही वाली अथेंटिक प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। वहां पे आप लोगों को उसके लिए बकायदा रिव्यूज चाहिए होंगे, ये आप सब लोग एक ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट अगर फाइवर पे जाके अकाउंट बना लेता है, जाहिर सी बात है, अगर तो हमने 20 लोगों के रिव्यूज खरीदने हैं ना, तो आराम से ये हमें 20,000 में मिलते हैं। तो अगर आप लोग इस खर्चे से बचना चाहते हैं, तो आप लोग एज अ टीम काम करें पेशेंस के साथ। किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसको इग्नोर करें, ठीक है। एज अ टीम आप लोग सीखें, एज अ टीम आप लोग काम करें। आइंदा भी मतलब किसी को कोई चीज समझ नहीं आएगी, एक दूसरे से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। रिव्यूज अगर एक स्टूडेंट को चाहिए तो देखें, माशाल्लाह 40-50 तो इधर लोग हैं, एक दूसरे की अगर हेल्प करने जाएंगे तो रिटर्न में उस स्टूडेंट की भी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ आप लोगों का ये खर्चा भी बच रहा है कि आप लोगों को रिव्यूज फाइवर के लिए नहीं खरीदने पड़े, मैडम, ये फाइवर पे कुछ जाके आप लोग एड्स देते हैं। ये समिया कह रही है कि हम अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदेंगे और फेसबुक पे जाके बेच सकेंगे। मैम, हम अमेजोन से प्रोडक्ट लेके सेल करेंगे। नहीं, और फेसबुक एक पे मिनट, आके पहले इनका सेल करेंगे। लोग इतने भी मासूम क्यों हैं, थोड़े से तो शार्प हो। देखें, अमेज़न पे सेल करनी है, अलीबाबा पे बैठे हैं होलसेलर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स आपने बैठे नहीं हैं, करना फैक्ट्री वाले सेल, बैठे हैं। आपने सेल कुछ नहीं पहली करना। बात, हाँ, क्लाइंट आएगा, आप सीखें हाँ बस, क्लाइंट आएगा, पैसा भी वो लगाएगा, उसका अकाउंट आप लोगों ने रन करना है। मरवाना दीजिएगा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान का नाम नहीं खराब कर देना। हाँ अच्छा, आपका ये सवाल है, मैम हम अमेजोन से ही प्रोडक्ट लेके सेल करेंगे, नहीं अमेजोन से नहीं खरीदेंगे, हम अमेजोन पे बेचेंगे। ऐसे हाँ प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से खरीदें जहां पे हाँ एक्चुअल में 2 रुपए, 2 डॉलर, 3 डॉलर, 5 डॉलर इसमें मिल रही होती है प्रोडक्ट, वहां से उठा के 10-15 डॉलर में अमेजोन पे बिकता है। ठीक तो है, जब हम ये बात कर स्किल्स रहे हो आपने ना सीखनी है। मैडम, एक मिनट मैं इसमें ऐड करूंगा। जब हम बात कर रहे हो ना कि आपका मतलब आप तो एक वीए हैं, ठीक है, अगर हम आपको क्लाइंट भी आप करके बोल रहे होते हैं ना, तो आपके लिए तो वो नहीं होता है अल्फाज। वो तो जाहिर सी बात है, आप समझ जाए ना कि वो क्लाइंट की बात हो रही है। तो आप तो कभी भी, मतलब आपके पास क्या पैसा है इतना लगा सकते हैं आप उसमें? फिर तो आप अपने आप को भले समझें कि मैं वहां पर बिजनेस करूंगा अमेजोन पे। ठीक है, यू आर अ वीए, ओके, जो वीए के अंदर जो सारी चीजें आती है ना, आप उसको सीखें। ठीक है, आप सर्विसेज देंगे, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, आपकी सर्विसेज है आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी मैडम, नेक्स्ट। जी, अच्छा, ये उमेर अहमद पूछे, डू वी लर्न पीपीसी इन दिस कोर्स? यस ऑफ जाहिर कोर्स, सी बात है, हाँ कंप्लीट इसमें आपको हाँ सिखाया इंशाल्लाह। जाएगा, ये पीपीसी जरूर सिखाई और सिर्फ जाएगी, ये सिखाया जरा मतलब इस इसकी तरह बारी बाद में बताएंगे नहीं आएगी। आपको, भाई ये होता है, ऐसे नहीं, बाकायदा हैंड्स ऑन आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, आपको करवाएंगे प्रैक्टिस। जी मैडम आगे। ओके, थैंक यू मुनीजा, आप जो बोल रही हैं। और एक मिनट, सुमैया को दोबारा क्लियर कर दूं, और हम सेल फेसबुक पे करेंगे, फेसबुक पे हम लोग अपने ऐड देंगे कि हम लोग एक वीए हैं, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, किसी को चाहिए तो हमें बता दें, ठीक है, ये हमने फेसबुक पे जाके सेल करना है, हमने चीजें नहीं बेचनी। अच्छा, वसीम इरशाद कह रहे हैं, मैडम काइंडली एक आंसर कर दें, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, बट वो रिजल्ट एक्सपेंड करके नहीं दिखा रहा, नैरो सर्च मींस फर्स्ट रो ही शो हो रहा है, क्योंकि आपने क्रोम में जाके उसको अगर ऐड कर लिया तो फिर आपने उसको पिन भी करना था ना, पिन किया है ये मैडम बताएं, आज अगर तो मैं किया बता है। दूंगा ना, इसमें आज मैं बता हाँ, इसके दूंगा। बाद हम वो बताते हैं कैसे करना हाँ है। सब स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होने चाहिए, होने ठीक है, चाहिए आज। ऑन हाँ करके बैठिएगा। मोहम्मद अनस कह रहे हैं, मैम इस वक्त हम सब लर्निंग स्टेज पर हैं, अगर अभी इस वक्त कोई क्लाइंट मिल जाए तो क्या उसकी डिटेल्स व्हाट्सएप
पर या जूम पर शेयर कर सकते हैं और उसे हैंडल करूं और कैसे करेगा? हाँ ठीक है, क्लाइंट मिलता है तो जाहिर सी बात है आपने उससे पैसे थोड़ी पकड़ लेने हैं। वो आपको ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा कि ये मेरा क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट हंटिंग कर दें, या इसके अलावा भी कुछ होगा। जब आप उसको काम करके देने जैसे होंगे फिर मतलब है कि वो आपको पैसे भी देगा। हाँ जी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बताएं हमें, व्हाट्सएप पे बता दें, जूम पर बता दें, बल्कि जूम पे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि क्लाइंट कैसे आता है, कहाँ मिला आपको और क्या बात की है, आपने उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है सब सिखाएंगे। और जिसका क्लाइंट होगा मिसेस वो आमिर पैसे पूछ रही उसी हैं के ही सर, होंगे जी। जाहिर सी बात है एग्जैक्टली सर, यू मीन टू से हमें दूसरों की इन्वेस्टमेंट को रन करना है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हम सैलरी बेस पर वर्क करेंगे। जी हाँ सैलरी कमीशन बोल दो, अपनी सर्विसेज ले लो बस, थोड़े दिन के लिए उनको सर्विसेज दे के उनका अकाउंट मेंटेन करके उनको दे दो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। अच्छा अच्छा वसीम इरशाद आप परेशान नहीं हो सर, अभी आपके सामने दोबारा सबको ये सिखाएंगे, तो अगर कोई स्टेप उसमें से मिस हो गया है तो आप सर को देख के फॉलो कर लीजिएगा। हमजा मासूम कह रहे हैं मैम मैंने अभी तक अमेजोन का अकाउंट नहीं बनाया है, क्या मुझे अकाउंट बनाना चाहिए? नहीं 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 चलो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, मुझे मुझे वीए हंसने को दे दो अमेजोन पे प्लीज, अच्छा मुझे हंसने दे दो प्लीज। वैसे जब हम भी इस फील्ड में न्यू आए थे ना, मैंने भी अपने सीनियर से यही क्वेश्चन किया था और मैं लगी हुई थी अमेजोन पे अकाउंट बनाने कि मैं वीए मैडम का आप कोर्स इनको शुरू क्लियर करने लगी करें हूँ। जी ये जी जी बात जी बिल्कुल, ये जी इनका जी क्वेश्चन जेन्युइन है, कंफ्यूजन होती है कि जी एक वर्चुअल असिस्टेंट को अमेजोन पे किसी भी किस्म का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमने सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस करनी है जो कि अकाउंट के बगैर हो जाएगी। अकाउंट जो बना हुआ मिलेगा वो क्लाइंट आपको जो मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करता है, उसके अकाउंट को रन कैसे करना है वो हम सीख लेंगे। ठीक है आपने खुद कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हर पाकिस्तानी जिसका एक आईडी कार्ड होता है उस आईडी कार्ड नंबर पे एक ही दफा अमेजोन अकाउंट बनाता है। ठीक है अगर अगर आपने पीएल करना है, होलसेल बिजनेस करना है, आपके पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ गई है फिर आप अकाउंट बना के उसमें एंट्री मारें, अदरवाइज ये पंगा ना लें। अगर वो ब्लॉक हो गया तो एक ही दफा बनेगा, आपके आईडी कार्ड पे दोबारा बनेगा भी नहीं। ठीक है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? ओनली 2 मंथ्स। ठीक है इज वी ओनली सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अमेजोन और कैन अदर्स मार्केट प्लेस? नहीं अदर मार्केट प्लेस क्यों होगा, क्यों सर? मैं कहूंगा वर्चुअल का मकसद क्या है, वर्चुअल अमेजोन वर्चुअल का वर्चुअल असिस्टेंट एक एक सेकंड ना मैडम, असिस्टेंट का क्या मकसद है? असिस्टेंट का ये मकसद है किसी भी चीज को आप जो है वो टैकल कर रहे हो, ठीक है, असिस्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, किसी भी कंपनी के सीईओ को आप असिस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लीज इसका भी माइक खुला हुआ वो बंद कर दे, ठीक है। वर्चुअल हम जो है ये अपना आप जो वेबसाइट बनाते हैं, ये जितनी भी डिजिटल चीजें होती हैं वो वर्चुअल होते हैं, वर्चुअल पे जो चीज आप करेंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप असिस्टेंट हो जाएंगे, तो वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अमेजोन के लिए आप सीखेंगे तो आप वीए अमेजोन के लिए हो जाएंगे, अगर आप दराज के लिए जाके सीखेंगे तो आप दराज के लिए हो जाएंगे, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपका यार किसका आवाज खुला हुआ है, साजिद मतलब सुल्तान पूछे एनी एग्जांपल्स फॉर क्राइटेरिया फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट? जी क्लाइंट्स हमें जो क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं ना उसी बेस पे हमने ये पूरा कोर्स सेट किया है, हम उन्हीं एग्जांपल्स को आपको पेश करेंगे, उस एग्जांपल्स को देख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सो यू डोंट वरी। अभी आप वीए की सर्विसेज से प्रोडक्ट हंटिंग ही लर्न करवा रहे हैं? जी अभी हमारा पहला दूसरा लेक्चर है, हम बेचारे मासूम से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी हम उनको यही बता रहे हैं अमेजोन पे क्या करना है कैसे करना है, उनके सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। प्रैक्टिकली अभी हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए मैम हमें अकाउंट कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, आप लोगों को प्रैक्टिस अमेजोन के मार्केट पे जाके करनी है। यूके मार्केट है, यूएसए मार्केट है, वहां अकाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी है। ठीक है हम टूल्स को यूज करना सीखेंगे, टूल्स के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट आपका हंटिंग करेंगे। क्या जाए, मैं कहता हूं आपका अकाउंट इस पे बनाने का जाए क्या, कुछ नहीं जाता, आपको बनाना ही नहीं है भाई, आपने टूल्स इस्तेमाल करने, उसी से सारी चीजें निकाल के वो सारी चीजें खुद करता है, आपने उठा के शीट जो है उसको कॉपी करके वो क्लाइंट को बेचनी है, दैट्स इट, वो भी पूरी की पूरी नहीं, उठा के बेच देना,
ना हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें चीजें हाइड करते हैं। ठीक हो गया? आपसे आप में से चलेगा। कोई भी बंदा अकाउंट ऐसे ना बनाए जिसने अगर खुद कोई बिजनेस करना भी हो ना अमेजोन पे, वो भी आपने खुद से नहीं बनाना। ठीक है? वो भी एक VA सर्विसेज देता है, वो मैं इस कोर्स में नहीं बताऊंगा। ठीक है? वो मेरी एक अलग, वो है पेड है, उसके आप अलग से रहने दे। ठीक है जी मैडम, आगे। चलें सर, ये फटाफट से ये सारी चीजें इनको, अच्छा ये कैटेगरीज दिखा दें, कुछ लोग कैटेगरीज का पूछे थे, मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं। कैटेगरीज पर अपीयल पे सर क्लिक कीजिएगा नीचे। जी, पिछले लेक्चर में हमने ये लिस्ट प्रोवाइड की थी, ये सारी इसके ऊपर जितनी भी कैटेगरीज लिखी हुई है हमने इन पे काम करना है। इनकी जो प्रोडक्ट्स इनमें से निकलेंगी वो सारी अनगेटेड होंगी। सर नेक्स्ट जी नेक्स्ट स्लाइड। जी कर दिए। और हमने सारे प्रोसेस के लिए जो टूल्स यूज करने हैं, हीलियम 10 एक्सटेंशन है, हीलियम 10 डायमंड है, जंगल स्काउट एक्सटेंशन है, जंगल स्काउट वेब है, वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ड है, गूगल ट्रेंड है, AMZ एक्सटेंशन है, AMZ स्काउट एक्सटेंशन है। सर नेक्स्ट। ओके, ये आज हम इनको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, नो नीड टू एक्सप्लेन, ये हमने इनको बता दिए। ये सारी हम लोगों ने स्किल्स सीखनी है, प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, सोर्सिंग वगैरह। ठीक है सर, प्रैक्टिकल आ जाए। सब स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप, अपने अपने कंप्यूटर्स जो भी हैं वो ऑन होने चाहिए। 5-6 स्टूडेंट्स बता दें ऑन कर लिए आप लोगों ने। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है? मुनीसा, लैपटॉप के बगैर आप क्या प्रैक्टिस करेंगी? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो ना हुआ ना फिर, बस आप चुप करके लेक्चर ही सुनेंगी। फजल, सब आपका लोग अपने माइक कंप्यूटर आप ऑन अपना करें। बंद कर दीजिए। आप माइक बंद करेंगे ना फिर भी आपको हमारी आवाज आएगी। यस, रिकॉर्डिंग पर है, रिकॉर्ड मिल जाएगी आपको ग्रुप में। जी ठीक हो जी गया? जो हम आपको सिखा रहे हैं आप साथ के साथ कर लें तो ज्यादा सही है, बाद में फिर फंस जाएंगे, फिर सबसे पूछते फिरेंगे, तो वो काम हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स परेशान हो। ठीक है, मैडम सबसे पहले क्या बताना है बता दें। आप इनको पोस्टल कोड एड्रेस चेंज करना सिखा दें। अमेज़न लिख लीजिए, अमेज़न की मार्केट खोल लें। ये बात की बातें हैं, अभी लेक्चर पर ध्यान दें प्लीज। ये आप लोग चिट चैट ग्रुप में भी करते रहिएगा। इस टाइम ये जो 2 घंटे होते हैं ना, इस पे कोशिश किया करें कि यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोग लेके जाएं। बाकी ये जितनी भी डिस्कशन है आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं। मैडम ये बता दीजिएगा इनको। जी, सर ने लिखा है amazon.com। ठीक है, सब लोग लिख के खोल लें और इस वेबसाइट पर आ जाइए। जिन जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, वो लोग फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर अप्लाई कर लें। अच्छा जी, इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे लिखा हुआ है ना डिलीवर टू पाकिस्तान। सबसे पहले हमने जाके इसको चेंज करना है। ठीक है, अच्छा amazon.com लिख के जो वेबसाइट खुलती है बेसिकली ये USA के लिए खुलती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने USA के कंट्री का डालना है, तो हम यहाँ पे न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड डाल देते हैं जो कि इस टाइम एक्टिव कोड है ना, हम आपको बता देते हैं, आप लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे न्यूयॉर्क का लिखेंगे 1-000-1। सर डायरेक्ट अप्लाई कर दें, इनको सर्च ना करवाएं क्योंकि हम इनको एक्टिव कोड ऑटोमेटिकली बता रहे हैं। 1-000-1 अप्लाई, हमने कर दिया जिस मैडम, जिसका अप्लाई कर अप्लाई दूं? हो जाए। जी ये देख लिया सब लोगों ने मैडम, कर दूं अप्लाई? ये हम ओके लिख दें, सब लोग अगर समझ आ गए यहां तक, सब लोगों ने अगर कर लिया है। अच्छा
अगेन अगेन रिपीट। रिपीट, ओके सर दोबारा रिपीट कर दें, अभी अप्लाई ना करें। हम लोगों ने गूगल पे जाके लिखा amazon.com, ठीक है सर, इनको दोबारा सारा दिखा दें, जो न्यूबीज है ना उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो देख लें जरा दोबारा। सर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देख लें, ये जो ये है ना amazon.com.spendless.smilemore, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, ये अब डिलीवर टू पाकिस्तान जहाँ लिखा आ रहा है इस पे आप लोग क्लिक करें। सर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये पोस्टल कोड मांग रहा है यूएस के हिसाब से, तो हम यूएस का जो कंट्री सिटी है न्यूयॉर्क, उसका जो एक्टिव कोड इस टाइम है अमेजोन के लिए, हम वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वो कोड है 1001। इसको ऐसे करके आप लोग अप्लाई कर दें, डन पे क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने अप्लाई करना है। सर अप्लाई सबने कर दें। कर लिया मैडम, कर दूं मैं, समझ में आ जी गया। जी जी तकरीबन सब ने कर लिया, एक दो ने बोला था रिपीट। अब ताबेश और इकरा आप लोगों ने कर लिया, अब आपको आ गई समझ? यस, उनका भी हो गया, यस ओके ठीक हो गया, डिलीवरी पोस्टल कोड चेंज हो गया। अच्छा, ये है हमारी यूएसए की मार्केट, ठीक है, आप लोगों ने ये दो चीजें समझ लेनी है। जब हम लोग काम करते हैं ना, क्लाइंट जब आता है या यूएसए मार्केट के हिसाब से हमें बात करता है या यूके मार्केट, तो ये दो अलग अलग मार्केट्स हैं। ये हमने जो सेटिंग बनाई है ये हमने यूएसए मार्केट के हिसाब से बनाई है। अब आप लोग एक न्यू टैब अलग से खोलें, इसको क्रॉस मत कीजिएगा। सर न्यू टैब खोल लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी न्यू टैब खोलें, और यहाँ पे आप लोग गूगल पे लिखें अमेजॉन डॉट सी ओ डॉट यूके, ठीक है, amazon.co.uk, आई रिपीट amazon.co.uk, ये लिख के आप लोग एंटर करें। हम सब लिंक कर लिया तो मैं कर दूं एंटर। जी जी एंटर करें करें करें। तो इस तरह से हम लोग यूके मार्केट के लिए गूगल पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे ये मांगेगा डिलीवर टू पाकिस्तान जहाँ लिखा हुआ है ना, वहां पे भी हम लोगों ने पोस्टल एड्रेस डालना है, जिप कोड डालना है। अब सेम उसी तरह इसका भी एड्रेस चेंज करना है, यहाँ पे मैं आपको कोड बताती हूँ क्या डालना है। मैडम ये देखें, ये यहाँ यूके के हमने हिसाब यूएसए से, यूएसए के लिए डाला था तो यूएसए आ रहा था, ये यूके के लिए डाला जी तो यूके का आ रहा था, आ जी रहा है। सर अब इनको यूके का एक्टिव कोड बताना है, वो भी इनको गाइड कर देते हैं। अच्छा जी, ये पढ़ा हुआ डिलीवरी कोड चेंज कीजिए, अब वहां पे एम उसका डबल वन एक्टिव ए जी कोड है जी, इनको बता दें। एम डबल वन ए जी ये देखें, ये M11AG, सेम इसी तरह लिखिएगा, कैपिटल लेटर्स में। और यहाँ पर स्लाइड में हमने बताया था ना, ये वाली स्लाइड पे, कि ये वाली, ये अमेजोन के लिए आपने यूएसए के लिए .com यूज करना है, यूके के लिए .co.uk, कनाडा के लिए अमेजोन बाकी डॉट कनाडा सी ए वेडा उसपे हमने हाँ काम नहीं करना, हम दे नहीं, सिर्फ मैं यूके बता और रहा हूँ कि यूएसए पे मैंने काम करना है, इनको ऑलरेडी स्लाइड पे दिया कंफ्यूज हुआ हो है। जाएंगे। जी, बस वो प्रैक्टिस के टाइम ज्यादा समझ सही से आता है ना, बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यूएसए और यूके पे ही हम लोगों ने ज्यादा काम करना है। ये क्या कह रही हैं? साबिश कह रहे हैं मैम न्यू में ओके किया तो एक्सेप्ट कुकी समथिंग आया, हाँ तो ओके कर दें उसको भी, ओके कर दें, कुकीज मांग रहा है ना, इट्स ओके। यूके मार्केट का किस किस का पोस्टल कोड लग गया ये दोबारा स्क्रीन पे शो कर दें सर, वो मिट गया है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम ये जो आपने मैनचेस्टर का जो शो किया है मैम, ये काइंडली रिपीट कर दें। मैडम इनका सवाल क्या था? जी मैनचेस्टर के लिए सर आप लिखेंगे गूगल पे जाके amazon.co.uk, ये लिख के आप एंटर करें amazon.co.uk। वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स के लगते जा रहे हैं यूके के कोड भी, वेरी गुड एक्सीलेंट। मैनचेस्टर के लिए और ये उसका इनको आप पोस्टल कोड है रिपीट कर दें मैडम, पोस्टल कोड जी, पोस्टल कोड सर आप खोलिए, उनको दिख भी जाएगा एक एम दफा, डबल मैं वन ए रिपीट भी कर जी देती हूँ, एम डबल वन ए स्मॉल ना जी ना लिख लें, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैपिटल लेटर्स उनको दिख जाएं।
एम ये वाला डबल भी। वन ए जी, कैपिटल ए कैपिटल जी कैपिटल एम दरमियान में डबल वन, ठीक है? आप लोग मैम, इससे ये जो से आपने एक्सक्यूज मी, ये जो आपने अभी बताया था कि amazon.co.uk वाला पेज, उसको जब मैंने जी ओपन किया है तो मेरा अभी ऊपर जो पेज है डिलीवर टू पाकिस्तान ही लिखा आ रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे डिलीवर टू मैनचेस्टर लिखा आ रहा है। कोई इशू उसने नहीं। एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आप दोबारा ट्राई करें, आप नहीं दोबारा नहीं करें। नहीं मैम मैडम मैंने मैडम एम एक डबल मिनट वन एक ए जे नहीं, मैंने जी, जी आपने जो है ना इसको डिलीवर टू पाकिस्तान को क्लिक करें दोबारा, और फिर आपको ये पूछेगा जी चूज योर लोकेशन, तो वहां पर एक जी ऑप्शन जी स्पॉट दिया हुआ, वहां आप जाके लिखें M11AG, फिर उसको अप्लाई करेंगे तो वो डिलीवर टू पाकिस्तान चेंज अप्लाई, हो जाएगा। ठीक है। हाँ और ठीक जी है, जी तो नीचे जो लोकेशन में एक पाकिस्तान मेरा पहले से लिखा आ रहा है, वो वो ये चेंज कोड हो डाल जाएगा। के चेंज होगा, हाँ जी बिल्कुल, कोड डालेंगे ठीक अप्लाई है? मैं इसको करेंगे फिर चेंज अप्लाई कर होगा। दूँ अब एम जी जी डबल कर वन दें ए कर जी को दें कर अप्लाई दें कर जी जी दूँ? कर दें। अच्छा जी, हाँ जी, हो गया मेरा। थैंक यू हो मैम। गया। अच्छा, इसके बगैर आप लोग नहीं, आपको क्लाइंट बताएगा कि मैं कौन सी मार्केट में मैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बोल रहा हूँ, जब तक आप ये डिलीवर टू नहीं बताएंगे आपको ये उस हिसाब से दिखाएगा। अगर मैं इसको US का ही रहने दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज किया ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर तो न्यूयॉर्क का आ रहा है, ये तो सारी USA की चीज़ें मुझे बता रहा है, ठीक है, और कस्टमर मेरा था UK का, मैंने ये डाला ही नहीं, मैं तो भूल गया, मैं तो यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दी, तो ये काबिले कबूल नहीं है, ठीक है। आपको वो प्रोडक्ट वो शीट दोबारा वो डिलीट करनी पड़ेगी, दोबारा जाके इसको आप मैनचेस्टर करके UK का लिख के उसके बाद आप यहाँ आके अपने लिए प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ठीक हो गया? ये जरूर करना, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट। जी मैडम, मैडम पोस्टल कोड कोई मसला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये वाला लिख लीजिए, ये वाला है पोस्टल कोड UK का, M11AG, सारे कैपिटल में, ठीक है, M11AG। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप आ रही है सर जी 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 बिल्कुल, अब आ रही। जी? मैं पूछी थी किस किस का नहीं हुआ अभी तक, यूके का कोड नहीं लगा अभी तक, वेरी नाइस, जिसका नहीं लगा मलिक वो बताएं। मलिक लारेब का हो गया है, वसीम का हो गया है, उमेर का हो गया है। अच्छा, सारे हो गए को छोड़ देते हैं और जिसका नहीं हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो बाकी ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आई थिंक अब समझते जा रहे हैं, हाँ हो, जिसको नहीं समझ आएगा उसको आप सब स्टूडेंट लेके साथ चलिएगा ताकि कोई हाँ पीछे ना रह जाए, ठीक है? ये बहुत जरूरी स्टेप है, आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा प्लीज। ओके गुड, मनीषा का भी हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब ये है कि जब हम आप लोगों को असाइनमेंट देंगे, हम आप लोगों को डिफरेंट मार्केट्स का देंगे क्राइटेरिया, यूएसए का अलग यूके का अलग, तो अब आप लोगों के पास ये दोनों पोस्टर कोड लग गए हैं, तो आप लोग यूके के लिए अगर काम करेंगे तो सिंपली अमेजोन पर जाके लिखेंगे .co.uk, तो जब एंटर करेंगे तो यही लंदन वाला या मैनचेस्टर वाला आप लोगों के पास खुल जाएगा। ये इनको भी बता दें, मोहम्मद अनस कह रहे हैं आस्किंग फॉर कुकीज इन यूके, इनको भी समझा दें उधर क्या करना है। कितना लिखना है आपने, ठीक है, कुकीज को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें, कुकीज का कोई इशू नहीं है, आप एक्सेप्ट करें उसको UK के यस लिए। मोहम्मद अनस, यू शुड एक्सेप्ट। अमेजॉन नाउ डॉट डन, यू ओके के हो गया। डॉट UK, ठीक है, इसको एंटर करेंगे आपके पास ये मार्केट प्लेस UK की खुलेगी, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे अमेजॉन जस्ट लिख के अमेजोन, ये मैंने UK को हटा के .com किया, ये अब USA की खुलेगी, लेकिन इसमें भी आप देखिएगा। अच्छा ये तो लगा हुआ है ना मेरा, वरना ये यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता, डिलीवर टू पाकिस्तान आ जाता, सर ठीक है, अब इसलिए ये अब हम मैंने लोग बताया। ऐसा करते हैं, जी इनको वो जो फ्री टूल है ना वो इनको जी दिखा देते हैं। ठीक हो पहले गया। आप लोगों के पास जो सर मैं एक्सेप्ट कुकीज करूं, यस समीर एक्सेप्ट कुकीज कर रहे हैं आप? अच्छा अभी
स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस में हैं, पहले अच्छा ये अच्छा क्लियर हो जाए कुकीज तो आप ताकि कहीं किसी कंफ्यूज भी ना हो। वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपसे वो मांगेगा, सिर्फ अमेज़ॉन के लिए नहीं, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, वो आपसे कुकीज की एक्सेप्टेशन मांगता है, क्योंकि उसको तो मैं आपको वो क्लास ले रहा रिमाइंडर हूँ देना होता है। उसे कम दी। सर आप माइक बंद करके भी क्लास ले सकते हैं। चलें सॉरी जी सर, स्टूडेंट्स इट्स ओके। आगे चलें। ये सुमैया कह रही है कुकीज एक्सेप्ट करने से वायरस आ जाता है, हैं? अच्छा फिर आप ना करें, आपका सर मैंने वायरस। एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कोई वायरस नहीं आया मेरे पास। हाँ वही, मैं तो कंटिन्यूअसली यूज करता हूँ भाई, 22 साल हो गए यही यूज कर रहा हूँ। चलें हमने 2 दफा रिपीट कर दिया, अभी भी किसी को नहीं समझ में आई तो ग्रुप हमने इसीलिए बनाया, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो, आगे चलिए सर। जी आप सब लोग अपने माइक प्लीज बंद रखें, वरना मुझे डिस्टरबेंस हो रही है फिर। अच्छा जी, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको एक न्यू फ्री टूल। टूल है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा फ्री टूल पहले के लिए खैर जी मैडम। पहले मैं इनको बता दूं कि इस टूल को अभी तक आप लोगों ने ऐड नहीं किया। इससे पहले जब आप लोग कोई भी कीवर्ड लिखेंगे ना अमेज़न की सर्च बार में, तो उसका रिजल्ट आप लोग पहले देख लें, एक लाइन में शो होता है। सर आप दिखा दे जरा इनको, ये देखें एक लाइन आ रही है ना नीचे तक, तो अभी मतलब है कि हम भरपूर कीवर्ड्स की रेंज हासिल करने के लिए, ज्यादा आइडियाज के लिए सर एक टूल इधर ऐड करने लगे हैं। आप सब लोग वो देखें, फिर उसका रिजल्ट दिखिएगा। ओके सर, गो टू गूगल। किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना मैडम, चलो आगे। नहीं, कोई सवाल अभी नहीं लेना, फटाफट आके चलते हैं, सवाल ग्रुप में भी हो जाएंगे। मैडम पहले मैं AMC करवा दूं इनको। जी AMC। सब लोग इस तरीके से लिखें, AMZ एक्सटेंशन एंटर। अच्छा मैडम इसका नाम जो है ना AMZ सजेशन एक्सपेंडर है। ए सर आपने AZM लिख दिया बाय मिस्टेक, इट्स हाँ AMZ स्टूडेंट्स, इट्स मैडम AMZ ये आ सजेशन रहा है, इधर लिखा एक्सपेंडर, हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सामने लिखा आ रहा है, जो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ना वेबसाइट पे, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। यस मैम आ गया, लोड हो गया है। गुड हो ओके गया। सर ने AMZ सजेशन एक्सपेंडर वाले को ओपन इन न्यू लिंक किया है, ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से कर लें, और ये लिया इसका लोगो देख लें ताकि इन लोगों को कंफर्म हो कि इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चलें जी हो गया। अच्छा जी अब ये आगे ऑप्शन दे रहा है ऐड टू क्रोम, सबके पास ऐसे आ रहा होगा, सब लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम के ऊपर। अच्छा ये देख लें, एक कैंसिल का ऑप्शन है, एक ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन है, आप लोगों ने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। है। ये एक ही दफा स्टेप देख लें, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, एक दफा एंटर हो गया तो हो गया, अब वो चेकिंग कर रहा है, ठीक है। मैडम यहाँ डाउनलोड हो गया नीचे। ओके हो गया, 1 मिनट अभी वो मतलब यहां से ये जो मैसेज देगा आपने इसको ओके कर लेना है, तो आपको मुबारकबाद दी अभी रिफ्रेश कह इसकी। रहा है। चलो जी ओके कर ले।
अच्छा अब इसको पिन करना भी सिखा दें, ये जो ऊपर एक छोटा सा साइन बना हुआ है ना एक्सटेंशन का सर, इनको बताएं, के इनको साथ। बताएं मैम मेरे पास से आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही है आपके पास, सबको ही नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है आवाज, हमें क्लियर आ रही है। चलो नहीं आ सर, इनको पिन करना भी सिखा दें सर, पहले पिन करना सिखा दें इनको, ये जो हीलियम 10 के साथ जो छोटा सा ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे सब लोग, इस पे यहाँ पे ये जो एएमजी सजेशन एक्सपेंडर हमने डाउनलोड किया है ना, इसके आगे जो पिन बनी हुई है ना इसको हम लोगों ने क्लिक कर लेना, इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है मैडम, ये हो गया, ठीक है, और ये पिन हो गया। ओके, अब इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे, अब इसको हाँ रिफ्रेश कर लें। समीर शायान एंड मलिक लारेब, हम लोगों ने सॉरी गूगल पे जाके हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, हाँ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, एक्सपेंडर्स को क्लिक कर लेना था, आगे फिर उसका ऑप्शन आ रहा था ऐड टू क्रोम, उस पर क्लिक करना था, वो सारा हम पहले बोल रहे थे कि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम दोबारा अगर उसको रिमूव टू क्रोम करेंगे तो। रिपीट प्लीज। अदनान आपका कोई सवाल है, हैंड रेज किया हुआ है, पूछें। मैं माजरा चाहता हूं आपको इंटरप्ट किया, पर देखें इन्हें सबको बताएं कि कॉमन चीजें हैं, आप इसे देख देख के कर रहे हैं तो इनका फोकस असल में नहीं है, इसी वजह से काफी लोग ना सवाल पूछ रहे हैं जिस वजह से टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो इन्हें कहें ये भी हम इसलिए भी थोड़ा पेशेंस से चल रहे हैं कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इन चीजों से फेमिलियर नहीं होते हैं, हम इसलिए भी बार बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल आपकी बात सही है जी। देखें ला रैप का हो गया, पहले उन्हें समझ नहीं आ रहा था, अब उनका हो गया है, तो जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, पेज को कैसे किया है, रिफ्रेश कैसे किया सर वो बता दें, ये जो ऊपर है ना एरोस के आगे जो ये वाला सिग्नेचर है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है, एरोस के आगे जो ये घूमने वाला निशान बना हुआ था इस पे हमने क्लिक कर देना है, इस पे कर दें या यहां जाके इसी पे जाके इधर जाके एंटर कर दें, बस दैट्स इट, हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, जितने यहाँ लाइक स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या जिनको पहले से ये चीजें पता है ना उनको, उनके लिए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस से चलें, उन स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है जो लोग इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, जिनको ये चीजें नहीं पता है। ये एएमजी एक्सपेंडर टूल बहुत जबरदस्त है, अभी आपको इसका दिखाते हैं। हो गया है मैडम सबका, सबको समझ में आ गया है, एड क्रोम हो गया है सबका, मैम प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, एड टू गूगल एरर बता रहा है, क्यों एरर बता रहा है, आपने यही स्टेप किया था जो मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो सर इवनिंग में या रात में एनी डेस्क के थ्रू आपके लैपटॉप पे आके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक अगर नहीं भी होता, ठीक हो गया मैडम, आगे चलें जी, क्योंकि ये 5 मिनट रहते हैं क्लास के, फिर दूसरा लिंक देना है, ठीक है मैडम आगे चलें, एनी एरर हैज एक्यूबेट आ रहा है, ठीक हो गया, ताबिश में रात को आके आपको करके दे दें। इनकॉग्निटो में तो बिल्कुल भी नहीं करें, इनकॉग्निटो में तो बिल्कुल भी नहीं करें, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। हाँ वो आप ब्लैक चला रहे हैं शायद, वो आपको तो नहीं, वो तो वैसे ही सर ने पीछे थीम ब्लैक तो वैसे ही दिया हुआ है, इनकॉग्निटो नहीं चल रहा। मैडम आगे चलें जी जी बिल्कुल, एएमजी हो गया, ठीक है ये हो गया, अब इसका थोड़ा सा दिखा दें इनको मैडम, ये देखिए पी ए एन जी, आप देखिएगा ये देखिए इतनी सारी उसने वोकैबुलरी शो कर दी है, आइडियाज ही आइडियाज हैं, ये आगे जाके आपको इसकी कदर पता चलेगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज, जब हमारा दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाता है ना, जब हमें आइडियाज नहीं आ रहे होते तो हमें यहाँ से आइडियाज मिलते हैं और यहीं से फिर हम लोग विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा था, अब देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4
और बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें से वो भी आते हैं जो लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स से, गलत रॉन्ग स्पेलिंग से लिखते हैं ना, वो भी इसमें सजेशन दे देता है, ये बताता है कि इस न्यूयॉर्क की मार्केट प्लेस पे लोगों ने आके इस अल्फाज को ऐसे लिखा है, ये वो सजेशन भी दे देता है आपको एग्जैक्ट ऑर्गेनिक। शान कोई बात नहीं, अगर आपने लेट ज्वाइन की है, हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, ग्रुप में हम लोग दे देंगे, तो आप तसल्ली से बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब इनको ना मजीद टूल्स के बारे में थोड़ा इनको मोटिवेट करें, इनको थोड़े मोटिवेटेड पकौड़े खिलाएं, ताकि ये लोग अपनी जेब से थोड़े से पैसे अपने ऊपर खर्च करके अपने टूल्स खरीद लें, ताकि हम फर्दर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से टूल्स करें, फ्री के चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। हाँ, मेरा टूल काम नहीं कर रहा है, कौन सा टूल? आप इसको एंटर करें या सिर्फ क्लिक करें, मोहम्मद अनस, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके इसको पेन लिख के, ठीक है, पेन लिख के इसको थोड़ा स्पेस दें, स्पेस दें, आप स्पेस देंगे, देखें फिर खुला है, मैंने स्पेस बंद किया था तो नहीं आ रहा था, ठीक है ना, ये देखें पी ए एन आपकी तरह मैं लिख के छोड़ देता हूँ तो नहीं टूल काम कर रहा है, ऐसे इसको करता हूँ तो फिर जो है स्पेस दिया तो फिर ये खुल गया, ठीक है। और उसका अगर नहीं काम कर रहा तो आप यहाँ जाके ये वाला जो है इस पे यहाँ पिन कर दें, ठीक है मैडम, आगे चलें, अगर जिसका नहीं हुआ टेंशन नहीं ले, वो मैं उनको आके करके दे दूंगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उमर अहमद कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बताइए। We need to buy the tools for ourselves separately. जाहिर सी बात है। Sharing tools which are available in few groups are good to go. पूछ रहे हैं। जो 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 आपको समझ में आता है आप कर लें, ठीक है, जो आपको सही लगता है ना वो कर लें, कोई इसमें वो कबात नहीं है कि आप किससे टूल ले रही हैं, क्या है, फ्री का मिलता है, पैसों का मिलता है, जैसे मर्जी, आपको हमारी तरफ से तो नहीं मिलने वाला कोई भी चीज सेल आउट के लिए, ठीक है, अगर मैंने आपकी सही बात समझी हो तो। टूल्स के बहुत सारे वैसे तो बैठे हुए हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हम कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे, आप अपनी तसल्ली खुद करेंगे, अपने अपने मतलब है कि तसल्ली करके फिर आप लोगों ने खरीद। यहाँ पर एक बंदी थी जो मुझे बोल रही थी कि मैंने वो टूल परचेज किए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, अच्छा उमेर कह रहे हैं नहीं मुझे गलत नहीं समझे, नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, उनका शायद सवाल नहीं हम समझे। जी जी हाँ, हो सकता है उमेर मैं आपका आपकी बात नहीं समझा हूँ, देर आर फ्यू सप्लायर्स हु एफर टूल्स ऑन शेयरिंग बेसिस, ठीक है, मिलती है तो अच्छी बात है। अच्छा मैडम आगे चलें, ये जी नहीं आगे नहीं चल सकते, एक मिनट है, अच्छा सब लोग अब वेट करें, मैं जो है दूसरा लिंक भेजने वाला हूँ, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया मैडम जी, न्यू लिंक आएगा तो सब लोग फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट सर इनको एएमसी स्काउट भी ज्वाइन करवा देंगे जी, नेक्स्ट लिंक में हम लोग इनको एएमजी स्काउट एक्सटेंशन जो है वो भी फ्री वाली है ना, वो भी इनको ऐड करवा देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, तो फ्री वाले हैं वो तो ऐड करवाएं ना, ताकि उस हिसाब से जो प्रैक्टिस बनती है। मैडम अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके, न्यू लिंक भेजें, ओके सब लोगों को न्यू लिंक में भेजता हूँ, अल्लाह हाफिज, ओके सर, ओके।